तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास में एक कोकोनट देख सकते हैं आप, और गाइस हमारे पास में यहाँ पर एक सोडियम मेटल। तो गाइस आइडिया काफ़ी सिंपल है, हम इस कोकोनट के ऊपर करेंगे एक छेद और उस छेद में डाल देंगे सीधा सोडियम मेटल के पीस को, और उसके बाद देखेंगे हमारा जो कोकोनट है उसका क्या हाल होता है। गाइस आपको पता है जो कोकोनट है उसकी जो बॉडी है बाहर से वो काफ़ी सॉलिड होती है। तो गाइस यही आज की वीडियो हम ट्राई करने वाले हैं, क्या होता है हमारे नारियल के अंदर जब सोडियम मेटल जाता है, क्या वो रिएक्शन करता है, क्या वो हमारा नारियल है वो फटता है। तो ये देखने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक, और वीडियो के लिए एक लाइक का बटन आप जरूर से दबा देना। तो चलिए गाइस हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले इस नारियल के अंदर कर लेते हैं एक छेद। तो गाइस इस नारियल के अंदर छेद करने के लिए मैं यूज़ में लूँगा एक ये पाइप, तो चलिए इसमें करते हैं छेद। मैं इसमें ज़्यादा बड़ा छेद नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा जो नारियल है उसमें छेद हो चुका है। तो चलिए गाइस अब डालते हैं इसके अंदर सोडियम मेटल और देख लेते हैं कि क्या हाल होता है इस नारियल का। तो चलिए गाइस मैं डाल देता हूँ इसमें सोडियम मेटल को सीधा इसके अंदर। चलिए गाइस इसके अंदर एक और बार डालते हैं सोडियम मेटल और देखते हैं कि फिर दोबारा से क्या इसकी रिएक्शन होती है और हमारा जो नारियल है वो बच पाता है या फिर नहीं। तो गाइस इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार लूँगा दो सोडियम के पीस और इसको डाल दूंगा इसके अंदर और ऊपर से रख दूंगा इसके ऊपर पत्थर, फिर देखते हैं हमारा जो नारियल है वो उसका क्या हाल होता है। देख सकते हैं गाइस आप। तो गाइस अब आपको पता चल ही गया होगा जो हमारा सोडियम मेटल है उसके अंदर कितना पावर होता है। हमारा जो नारियल है वो भी उस सोडियम मेटल से फट चुका है। तो गाइस कुछ ऐसा होता है जब हम सोडियम मेटल को डाल देते हैं नारियल के अंदर। तो गाइस अगर आपको आया हो वीडियो में मज़ा तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।